नमस्ते, आज हम सीखेंगे समय लेखनांक का पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था, क्या सीखा था देखिए, समय लेखनम पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था कि पूरा वक्त बताना है, और उसके अंदर फिर से सीखा था कि 15 मिनट ज़्यादा होने के बाद हमारे को क्या बोलना है। आज हम सीखेंगे समय लेखनम पार्ट टू। सबसे इजी वाला पार्ट हमने उस दिन देखा था, हमने वो भी देखा था कि वादनम कब लिखना है, वादने कब लिखना है, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। नाउ यू ऑल आर इन 10th स्टैंडर्ड। हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको बार बार बताना पड़ेगा, मगर आप अभी इतने बड़े हो चुके हैं और इतने होशियार हैं कि कुछ बातें आप भी हमें सिखा सकते हैं। हाँ भाई, हम मॉडर्न ज़माना है। समय लेखनम पार्ट टू, आज हम सीखेंगे कि 30 मिनट ज़्यादा होने के बाद हमें क्या लिखना है, या 45 मिनट होने के बाद। 30 मिनट के लिए हम लिखते हैं सार्ध, सार्ध यानी हाफ, सार्ध का मतलब क्या होता है, हाफ। और 45 के लिए लिखते हैं पादोण, पादोण यानी 45 मिनट्स होते हैं, 1/3 टाइम कंप्लीट हो चुका है। और इन दोनों के बारे में हम थोड़ा से सीखेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है इस पादोण यानी इसके बारे में, राइट। और देखिए, वक्त दिन में एक बार तो आपको संस्कृत में बताना है, सिंपल टाइमिंग। पापा मम्मी किसी को भी, जो अपना बड़ा भाई बहन है, छोटी भाई बहन है, इनको आपको टाइमिंग एक बार तो संस्कृत में बताना है। और अब वीडियो घर पे आ रहे हैं तो मम्मी पापा भी देख सकते हैं, उनको भी हम इतना नहीं बोल सकते, मगर थोड़ा बहुत उनको भी जानकारी होती है अब ये वीडियोस देखकर कि क्या लिखा है, क्या कैसा करना है आपको, और फिर ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, हाँ समझ भी सकते हैं, राइट। अतः इसके बाद हम सीखेंगे हाफ आवर होने के बाद हमारे को क्या लिखना है। बहुत ही सिंपल बात है, ये हमने उस टाइम ही सीखा था। समझो, 2:30 हो चुके हैं, 2:00 कितने मिनट हो चुके भाई, 30 मिनट, या 7:30 हो चुके हैं, 7:30, 2:30, 1:30 के लिए हम 1:30 2:30 ऐसे भी बोलते हैं, मगर संस्कृत में ऐसा तरीका अभी नहीं है। अब उसके लिए हम सिंपल बात बताएंगे। हमारे को पहले बार हमने सिखाया था आपको क्या लिखना है भैया, पहले कितने वक्त ज़्यादा हो चुका है, happened, क्या लिखना है हमारे को, 30 के लिए क्या लिखेंगे, सार्ध। हाँ वेरी गुड, ये अंदर वाली जो रिकिल है मैं मारता हूँ, कुछ जगह पर ये जोड़कर भी लिखा जाता है और कुछ जगह पर अलग अलग भी लिखा जाता है, जैसे आपके स्कूल में आपको बताया जाता है उस टाइप में आपको लिखना है। और सार्ध, हाँ क्या लिखना है आपको, द्विवादने, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने मैं बोलने से पहले करके रखा है वहाँ पर, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको क्या करना है भाई, हाँ पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठना है, कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखना है, थोड़ा वीडियो में टाइम गया तो भी चलेगा। ये सारा वक्त, ये सारे वीडियो आपके लिए, ये भार्गव सर की पूरी मेहनत, ये सारे ट्यूशन्स की पूरी मेहनत सिर्फ आपके लिए है ना। सार्ध सप्तवादने, सार्ध एक वादने, वेरी गुड। कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको करके देखना है, जरूर करके देखना है आपको, सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं, हाँ देख करने। आप जानते हैं देखकर लिखना नहीं है आपको, क्या करना है आपको, हाँ 3-4 एग्जांपल देता हूँ, 10:30 एक आधा एग्जांपल रिपीट हो गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सब मन से दे रहा हूँ, कोई बुक नहीं है हाथ में इसीलिए। हाँ 11:30 हो चुके हैं, 3:00
ऐसा करेंगे 5:30, चार वाला बहुत जनों को तकलीफ देता है, 4:30 हो चुके, तो आपको अभी करना है, जल्दी करना है। मैं इधर खड़े रहता हूँ, जैसे आपको समझ में आए दिखाई दे, जल्दी कीजिए। वेरी गुड, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे। सर आपको वीडियो में कैसे पता चला? क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे बच्चे सारे होशियार हैं, हम सिर्फ होशियार बच्चों को ही पढ़ाते हैं ना। वेरी गुड, जल्दी करना है, चार ही एग्जाम्पल है, चार मिनट नहीं लेना है हमारे को, 40 सेकंड के अंदर ख़त्म करना है। हाँ ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है। हाँ मैं जानता हूँ सारे बच्चे लिख रहे होंगे, 4:30, 5:30, 11:30, 10:30, स्कूल को याद करो, 10:30 को हम क्या करते थे, 5:30 को शाम में ट्यूशन में क्या करते थे, 4:30 को क्या करते थे, स्कूल से निकलने का टाइम, भाई घर से निकलने का टाइम था ट्यूशन के लिए, वो भी याद करना है, इसलिए जानबूझकर ये टाइमिंग्स दिए जा रहे हैं। 5:30 को क्या होता था, फर्स्ट ट्यूशन का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होकर आधा हो जाता था, हाँ, और कुछ बच्चे लेट आते थे, है ना, वो सब यादें आ रही है हमें लॉकडाउन में अभी, इसलिए ये वक्त दिया गया है। 10:30 ब्रेकफास्ट का टाइम था भाई स्कूल में, हाँ टिफिन चुरा कर खाने का, वेरी गुड। 10:30 क्या करना है हमारे को, हाँ बोलिए, वेरी गुड, आंसर यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं टेलीपैथी से, सार्ध, हाँ दशवादने, वेरी गुड, क्या लिखना है हमारे को, सार्ध दशवादने, नेक्स्ट सार्ध एका दश वादने, वेरी गुड, सार्ध पंचवादने, गलती से कि इधर नीचे ऊपर हो गया तो समझ लेना है, फिर से हम ठीक कर देंगे। हाँ सार्ध ये लिखने में, चतुर्वादने, हाँ ये दंड, ये दंड ही यानी हमारा फुल स्टॉप होता है, आप जानते ना, आप सब कुछ जानते, पंचवादने सार्ध चतुर्वादने, वेरी गुड। एक बार फिर से क्रॉस चेक करके लेना है जिन बच्चों ने किया है, इरेज कर दूं, हाँ ऊपर से करता हूँ, जैसे अगर किसी का रह गया है। अब नेक्स्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्या है, अगर 45 मिनट्स हो गए, कितने मिनट हो गए, 45 मिनट, यानी 1:45 हो चुके हैं, 45 मिनट्स, अब हमारे को ये किस तरह से बताना है इसका एक, इस 45 के लिए मैंने आपको बुलाया है पादोण, ऐसा लिखा जाता है, इस 45 मिनट के लिए क्या लिखा जाता है, पादोण, और उसके बाद आगे वाला वक्त बताया जाता है। देखिए सिंपल बात, हम जब घड़ी देखते हैं घर में और 1:45 हो गए मम्मी, या हमें ये हिंदी में बताना है तो हम सिंपल बोलते हैं 2:45 मम्मी, यहाँ 2 कहाँ लिखा है बताइए, मगर हम बोलते हैं 2 के लिए 15 मिनट कम है मम्मी, या 2:45, ये जो 2:45 ऐसा होता है, ये देखिए 3:45 हो गए, मम्मी बोलती है देखो बच्चों 4:15 हो गए, जल्दी से खाना खाना है हमारे को, बाद में ट्यूशन के लिए निकलना है। 4:45 होते हैं, मम्मी हमें बोलती है 5:15, आप ट्यूशन को कब पहुंचेगा भाई, तू वैन आ चुके नीचे, 5:00 के लिए 15 मिनट कम है, यहाँ 5 किधर भी नहीं लिखा है, यहाँ 4 किधर भी नहीं लिखे, यहाँ 2 किधर भी नहीं लिखे वाला है,
मगर उसका मतलब ही होता है कि नेक्स्ट टाइमिंग हमारे को लिखना है। सिंपल बात, कितने हो चुके हैं, 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे पादोण और आगे हमें लिखना है नेक्स्ट कितने बजने वाले हैं, यानी पादोण द्विवादने, हमें ये याद रखना है, हमें ये याद रखना है कितने बज चुके हैं, 1:45, तो हमें बोलना है पादोन द्विवादने, नेक्स्ट टाइम बोलना है। ये ही बात हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, इसलिए इसके जरा सा ज़्यादा एग्जांपल्स लिखने, इसलिए तो सेकंड वीडियो रखा गया है। 3:45, हाँ हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, फिर से देखिए, 45 के लिए हमारे को वर्ड यूज करना है पादोण, हाँ त्री वादने रॉन्ग, हाँ क्या लिखना है पादोण चतुर्वादने, वेरी गुड। कुछ बच्चे फिर से कंफ्यूज, कैसे कंफ्यूज, हमने क्या बोला है 45 मिनट्स के लिए क्या लिखना है आपको, पादोण, ये लिख दिया, और नेक्स्ट टाइमिंग बोलना है तीन के बाद क्या बजने वाले हैं, चार, और इसीलिए चतुर्वादने, 45 मिनट्स हो गए, 4:15 बज चुके हैं अभी घड़ी में, अब यहाँ पर कितने बज चुके हैं, 4:45, तो हम क्या लिखेंगे, पादोण पंचवादने। ये हमारे को 6th-7th में जब हमारे को समय लेखनम था, मुझे लगता है कि 7th में था, या 6th में तो नहीं था, 7th में ज़रूर था, है ना, तब हमारे को पादोन पंचवादने ये लिखना है, पादोन चतुर्वादने, हाँ ये वेरी गुड। आपको प्रैक्टिस देता हूँ, एक 40 सेकंड नहीं 50 सेकंड लीजिए, एक आधे बार एक आधा एग्जाम्पल डबल हो चुका तो भी हमारा रूल, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, मन से एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए एक आधा एग्जाम्पल बाद में फिर से आ सकता है, ट्राई तो करेंगे। अब हम कौन सा दिए थे, फिर से भूल गए, 2:45 हो चुके हैं, रेड से थोड़ा सा कम दिखाई देगा, तीन बजकर हो गया शायद तो भी लीजिए, 3:45 हो चुके हैं, 5:45 हो चुके हैं, 6:45 हो चुके हैं, 7:45 हो चुके हैं, 8:45 हो चुके हैं, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ज़रा लाल दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ठीक से कर दूँ, 2:45, ठीक करना है आपको, थोड़ा वक्त लीजिए मगर ज़रूर आपको ही करना है, ना समझ में आने के बाद समझ कर लेना है, फिर से आपको ही करना है, नहीं आने के बाद फिर से प्रैक्टिस करनी है और आपको ही करना है, एग्जाम में भी आपको ही करना है, वीडियो नहीं देखना है, हाँ 2, 3, 5, 6, 7, 8 एक लाइन से दिए गए हैं आपको, जल्दी कीजिए, फास्ट जरा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाने के बाद क्या करना है आपको, स्पीड बढ़ाने के बाद इधर आना है, इधर ध्यान देना है आपको, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए प्लीज़, हाँ हेलो, हाँ देखो देखो, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि, हाँ हाँ ज़रा जल्दी कीजिए, जल्दी करने के बाद क्या करना है आपको, ठीक बहुत अच्छे, हाँ उसमें कुछ भी नहीं है अभी, सिर्फ यही है सब कुछ जो भी है इसी फ्रेम के अंदर है, राइट, हाँ वेरी गुड, हो गया,
टाइम इसलिए ज़्यादा दिया गया क्योंकि हम यहाँ पर ज़रा कंफ्यूज होते हैं। हाँ 45 मिनट के क्या लिखना है, पादोड़। हाँ कितने बज गए, त्रिवादने, वेरी गुड। आगे का वक्त लिखना है, हाँ पादोण, ये थोड़ा सा डबल हो चुका ऐसा लगता है, चतुर्वादने, मतलब कुछ नहीं होता है, एग्जाम में भी डबल आए भगवान, और एक क्वेश्चन के दो दो मार्क्स मिले। हाँ पादोण, षडवादने, कुछ लोग यहाँ हलंत नहीं करते, करना है ज़रूरी है, षड षड ऐसा दो तरीके से लिखा है, हमें षड लिखना है, षडवादने। हाँ पादोन, सप्तवादने, पादोन, अष्टवादने, पादोन, नववादने, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छी तरीके से लिखा है आपने, मुझे मालूम है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था हम सिर्फ होशियार बच्चों को सिखाते हैं, और जितने सीखते हैं इस दुनिया में सारे होशियार होते हैं, सीखने वाला बच्चा कभी हो गया या ऊपर से इरेज करो। हाँ ऊपर से करता हूँ, सुनाई दे रहा है भाई, वीडियो में भी सुनाई दे रहा है, आप घर से बात कर रहे हैं वो सब सुनाई दे रहा है यहाँ। षडवादने, वेरी गुड। अब तक हमने क्या सीखा, चार तरीके सीखे वक्त के, एक कंप्लीट टाइमिंग वादने, दूसरा सीखा सपाद, दूसरा हमने सीखा सपाद, तीसरा सीखा सार्ध, और चौथा सीखा पादोण। पूर्ण वक्त पूर्ण सीखा है, यहाँ पर हमने सीखा है 15 मिनट ज़्यादा होने के बाद, यहाँ पर सीखा है 30 मिनट ज़्यादा होने के बाद, और यहाँ पर सीखा है 40 मिनट ज़्यादा, और यही चार वक्त हमारे को स्कूल के एग्ज़ाम में मैक्सिमम आ जाते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर समझ में आना है, या आप बता सकते हैं क्या कि थोड़ा सा ज़्यादा सा इन्फॉर्मेशन हमारी ज़रूरी भी नहीं भी, अभी समझो ये आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है तो भी बताया जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बोलता हूँ। समझो 2:10, कुछ बच्चों को बहुत ईगर हुए कि 2:10 हो गए, क्या लिखना है, हाँ कितने बज गए, 10, तो हमें पहले लिखना है कितने बजे, 10, क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा इसलिए दशाधिक, दश अधिक, कितने बज गए, द्विवादने, 2:10 हो गए, तो हमें लिखना है दश अधिक द्विवादने, 2:20 हो चुके हैं, विंशत् त्याधिक, विंशत्याधिक, कितने बज गए, द्विवादने, 20 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, और यही हमारे को बताना है, विंशत्याधिक विंशति, इसे लिखने का तरीका भी बहुत सारे टीचर अलग अलग लिखते हैं, हमारे को इतना विंशति अधिक द्विवादने, ऐसे भी लिखने वाले टीचर होते हैं भाई, ये भी राइट है, ये भी राइट है, और पिछले बार मैंने बताया था विंशत्याधिक द्विवादनम, फिर से वही आ गए हम, ये भी राइट है, ये भी एक आंसर हमें यही बोलना है कि 2:20 हो चुके हैं, और यही तरीका है हमें सॉल्व करने का, हमें बताने का, हमारे को आगे जाने का, ये तो हमारे को एग्ज़ाम में आने वाले नहीं है, मगर हमने जैसे
फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। 2:05 हो गए, 2:20 हो गए, 2:35। अब 35 मिनट के लिए क्या होता है, पंचत्रिंशत्याधिक द्विवादन, यानी 2:35 हो चुके। 3 बजने के लिए 5 मिनट कम है, यानी 2:55 हो गए। यानी इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, 3 बजने को 5 मिनट है, पंचोण त्रिवादनम। सिंपल वर्ड यूज किया जाता है, पंचोण त्रिवादनम। ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो आपको देकर यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाता है, जिसका नाम है समय लेखनम, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने 2 देखे और सेकेंड पार्ट में भी हमने 2 देखे। और ये इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना है, और ये प्रैक्टिस करके कुछ एग्जाम्पल्स मन से सॉल्व करना है आपको। ये एग्जाम्पल सॉल्व करके यहाँ पर क्रॉस चेक करना है आपको, वीडियो को बार बार देखना है। और इस वीडियो को बार बार देखने में अगर आपको कुछ लगता है तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका है किस तरह से लिखना है हमारे को और क्या लिखना है वादनिक। तो यहाँ पर हम हमारा ये वीडियो समय लेखन हम स्टॉप करते हैं, यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।